Inside is better. Oh, 10 10 bitra. 10 bitra, 10 bitra. वेलकम बैक। तो यहाँ पे नेपाल पे एक बड़ी सैड न्यूज आई है। सैड न्यूज के बारे में आपको बताएंगे, बट आपको एक बात यहाँ पे ये कर दिया कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए काफी सारे लोग आते जाते हैं। इस माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए काफी सारे बेस कैंप बनाने पड़ते हैं और वहाँ पे जाके जाहिर सी बात है आप एक दिन में तो नहीं चढ़ सकते, आपको दिन लगते हैं, काफी टाइम लगता है। अब ये मान चलो वो बेस कैंप और यहाँ पे हुई है एवलांचेस आई हुई है, कुछ दिन पहले भी आई हुई थी, 28 सितंबर को भी मेरे ख्याल से आई हुई थी। तो यहाँ पे काफी सारे लोग फंसे हुए। सबसे पहले मैं आपको ये बात ये करूँ कि एवलांच होता क्या है। एवलांच सिंपल और आसान लफ्जों में कहा जाता है बर्फ का तूफान। जैसे कि लैंडस्लाइडिंग होती है, तो जैसे लैंडस्लाइडिंग होती है तो पहाड़ के ऊपर जितना भी सब कुछ होता है वो नीचे ही की तरफ आता है। सेम यहाँ पे बर्फ की तरफ होता है कि माउंट एवरेस्ट वाली साइड पे जब आप जाओगे तो इस एवलांचेस के ऊपर काफी सारी हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवीज बनी हुई है, नेपाल के अंदर बनी हुई है, पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, चाइना के अंदर बनी हुई है। एवलांच होता क्या है, मतलब वो ही बर्फ का तूफान होता है, वो ऊपर से नीचे आके सब कुछ जितने लोग भी वो गिर जाते हैं। कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद अली सतपारा जो थे वो भी इसी एवलांच की जद में आए हुए थे और वो भी जो बर्फ का तूफान आया तूफान के अंदर वो गई जाके उनकी ये तो 3-4 महीने बाद जाके उनकी डेड बॉडी मिली। सो नेपाल के अंदर ये आया हुआ है मानसरोवर बेस कैंप और ये काफी नुकसानदेह न्यूज हमें पता चली तो हमने बोला कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर ले। मुझे ज्यादा क्लियरिटी नहीं है इस बात की कि एवलांचेस किस वजह से आते हैं। ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा बर्फ होने की वजह से बर्फ या जो ग्लेशियर्स है वो पिघलने से भी ये आ सकता है, बट ये आते रहते हैं। जैसे होता है कि यार बर्फानी तूफान होता है तो बर्फ गिरती ये सहरा के अंदर मिट्टी का तूफान होता है, समंदर के अंदर समंदरी तूफान होता है और जमीन पे जमीनी तूफान होता है जो हवा आती है। तो ये खुदा की कुदरत का निजाम है, वो कभी किस रूप में अपेश आ जाती है ये सारी चीजें। कहते हैं कि जो चीज उनसे नहीं हो रही उनकी वो कोशिश करते और सारे ये बेस कैंप पे जा रहे थे और यहाँ से फिर माउंट एवरेस्ट के लिए सर करने के लिए। और ये काफी सारे लोग जो है ना इस बेस कैंप के अंदर डेथ हो गई। बड़ी वीडियो हमारे पास आई थी, हमने बोला आपके साथ शेयर कर ले। बाकी आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग।